आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली आज बात करने वाला हूँ कॉलेज रीओपन के ऊपर, कॉलेज कब तक खुलने की उम्मीद है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कॉलेज कब तक खुलने की उम्मीद है, और जो पिछले बार सरकार ने गाइडलाइंस निकालने के बाद कॉलेज को खोला गया था तो वह कॉलेज को पूरा खोला क्यों नहीं किया, चलिए इस बात को समझते हैं। पर जो लोग भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट्स मेरे द्वारा मिलती रहे। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, चाहे वो ट्विटर आईडी का हो, व्हाट्सएप नंबर का हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का, नन्हे एडुकेशन के चैनल का बात हो। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। कॉलेज खुलने के ऊपर काफ़ी बच्चों लोगों ने लगातार सरकार को प्रेशर बनाया था ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एवं कॉलेज के द्वारा ईमेल कर किया गया था कि कॉलेज को खोल दिया जाए। लगभग ये 1.5 से 2 महीना पहले का कहानी है, जहां पे सरकार को लगा कि सही बात है, कॉलेज को खोल देना चाहिए। सरकार ने गाइडलाइंस निकाल दिया था, उस गाइडलाइंस को उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और वो भी एक निर्देश दे दिया कॉलेज को खोलने का। कुछ कुछ कॉलेज उस निर्देश को मानते हुए कॉलेज को खोल दिए थे, मगर अधिकतम कॉलेज नहीं खोला गया था। क्यों नहीं खोला गया था? इस कारण से खोला नहीं गया था, आपकी परीक्षा सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की हो नहीं रही है। दूसरी बात, काफ़ी कॉलेज में 100% क्या मतलब 50% भी नहीं, बल्कि 30-40% ही बच्चे ऐसे होंगे जो 18 साल के पार होंगे और जो वैक्सीन ले चुके होंगे। इस कारण से कॉलेज विचार किया था कि नहीं, अभी खोलना सही नहीं रहेगा। अब बात आ जाती है कि जब आपकी परीक्षा नहीं होती, अब क्या उम्मीद है? अब जब आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आप जब फिफ्थ सेमेस्टर में हो, तो कॉलेज क्या अब खुल सकती है आपके लिए? चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले कुछ बात आपको जानना चाहिए। कॉलेज अभी बिजी और इंगेज है। क्या चीज में इंगेज है कॉलेज आपका? आपका कॉलेज हो या मेरा कॉलेज हो, क्या चीज में इंगेज है? पहला जो इंगेज है वो कॉलेज वाला, अभी आपका जो आपने चालान कटा के फॉर्म को भरा, एग्जाम फॉर्म को सेकेंड सेमेस्टर एवं फोर्थ सेमेस्टर का, उसको वो वेरीफिकेशन कर रहे हैं। वेरीफिकेशन के बाद में उनको अपना इंटरनल नंबर को अपलोड करना है जीयूटी के एसबीटी ज्ञान ज्योति के वेबसाइट में। ये उनको अपलोड करने का जीयूटी निर्देश दिए हैं, तो उनका पहले वेरिफिकेशन करने वाले आप सभी को, उसके बाद उस नंबर को वो अपलोड करेंगे। साथ ही जो सिक्स सेमेस्टर के पास आउट हो चुके हैं उनका भी जो इंटरनल नंबर है उसको भी वो अपलोड करने वाले हैं। ये तीन चीज के बाद में कॉलेज फिर क्या करेगा कि एक कल्याण के छात्रवृत्ति का जो वेरिफिकेशन बाय द कॉलेज होता वो चीज कॉलेज करने वाला। साथ ही जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं या फिर जिसके कॉलेज में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उस ट्रेनिंग के प्रोसीड्यूर में कॉलेज बिजी होने वाला है। ये सभी चीजों को देखते हुए मुझे ये सामने नजर आ रही है तो लगभग 10 से 15 दिन के बाद में थर्ड सेमेस्टर का कॉलेज खुल सकता है, थर्ड सेमेस्टर का, और साथ ही फिफ्थ सेमेस्टर का कॉलेज भी खुल जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में कॉलेज खुलेगी या ट्रेनिंग में भेजा जाएगा वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करने वाला है कि आपकी कॉलेज में ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है आपको या फिर आपकी क्लासेस चलवाई जा रही, वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। मगर थर्ड सेमेस्टर का ओवरऑल झारखंड में सभी कॉलेज खुलने जा रही है। लगभग 80-90% कॉलेज ऐसी होगी जो थर्ड सेमेस्टर का कॉलेज बहुत जल्द खोल देगी। जल्द मतलब लगभग 15 से 20 दिन का नोटिस आ जाएगा। जैसे ही कुछ कॉलेज खुलने लगेगी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा विद द ऑफिशियल नोटिस, आप देख के समझ सकते हो कि आपका कॉलेज क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट्स मेरे द्वारा मिलते रहे। कॉलेज खुलने के ऊपर यही कहना है कि 10 से 15 दिन के बाद में आपको कुछ ना कुछ सूचना सुनने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है ABCD वो खुल गया होगा, कोई कॉलेज XYZ वो खुल गया होगा, तो इस तरह कॉलेज खुलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और Web3 भी आ रही, तो Web3 अगर आ जाती, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आ चुकी है, केरला में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रही है, महाराष्ट्र हो गया आपका, दिल्ली हो गया, इस जगह में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हो सके झारखंड में अगर केसेस बढ़ जाएगी तो फिर आपको जो मैं बता रहा हूँ 10 से 15 दिन में कॉलेज खुलने का वो बिल्कुल नहीं खुलेगी फिर, अगर केसेस बढ़ती है तो। अभी केसेस कम है तो अभी को देख के ये लग रहा है कि बहुत जल्द कॉलेज खुलने का निर्णय कॉलेज वाले ले सकते हैं। और जो लोग को ट्रेनिंग के बारे में समझना है, मैंने काफी वीडियो बना चुका है ट्रेनिंग कैसे करना, कहाँ करना सही रहेगा। अब कुछ ट्रेनिंग का जैसे कोल इंडिया हो गया, वो मैं लगभग सोमवार या मंगल को मैं जा रहा रांची, वहां जाकर मैं बात करने वाला हूँ। ऐसे में अभी हूँ रांची में ही, वहां रांची में बात करने वाला हूँ HRD ऑफिस में कि ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना, गोमो लोग को पहले में क्या ट्रेनिंग मिल रहा है, क्या सभी चीज़ में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको हर एक अपडेट्स मेरे द्वारा मिलते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।